स्थित तकिया दीवान शाह परिसर में पुलिस दस्ते ने किराना दुकान पर छापा मारकर नकदी व प्रतिबंधित सुगंधित तंबाकू सहित करीब 1,65,000 का माल बरामद किया है। आरोपी मोमिनपुरा निवासी सारिका जमाल मोहम्मद गौस के खिलाफ तहसील थाने में मामला दर्ज किया गया है। मोमिनपुरा स्थित तकिया दीवान शाह परिसर में पुलिस दस्ते ने एक दुकान पर छापा मारकर नकदी व प्रतिबंधित सुगंधित तंबाकू सहित करीब 1,65,000 रुपए का माल जब्त किया है। आरोपी दुकानदार सारिक जमाल मोहम्मद गौस तकिया दीवान शाह मोमिनपुरा निवासी के खिलाफ तहसील थाने में मामला दर्ज किया गया है। तो वहीं वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में विशेष दस्ते के प्रभारी उप निरीक्षक जितेश आर वेली ने ये कार्रवाई की। बरोबर आहे, पोलीस स्टेशन तहसील येथे झोन 3 CIU पथक आणि पोलीस स्टेशनचं पथक अशा संयुक्त पथकाने अवैध गुटख्याची कारवाई केलेली आहे। सुमारे 1,00,000 रुपयाचा मुद्देमाल जो आहे तो जप्त केलेला आहे। आरोपी जो आहे तो ताब्यात आहे। गौस किराणा स्टोर्स आहे तकिया दिवानशा मोमिनपुरा येथे। या किराणा स्टोर्समध्ये अवैधरित्या तंबाखूचं विक्री चालत होती। त्या सारिक जमान व मोहम्मद गौस वय 32 वर्ष याला ताब्यात घेतलेला आहे। गुन्हा दाखल करण्याची कारवाई चालू आहे। गौरतलब रहे कि शहर में पुलिस की तमाम कोशिशों के बाद भी प्रतिबंधित तंबाकू पर रोक नहीं लग पा रही है। नागपुर में प्रतिबंधित सुगंधित तंबाकू के अवैध कारोबार में लखानी, देशमुख, बुधराजा, संतोष राठौर, अनिल सहित कई लोग लिप्त हैं। इनमें से कई लोग सिवनी से भी जुड़े हैं। मध्य प्रदेश के पांडुरना से शंकर और मुकेश का माल भी शहर में आता है। आरोपी सारिक ने प्रतिबंधित सुगंधित तंबाकू सिवनी के किसी गुप्ता नामक व्यक्ति से खरीदा है, ऐसी भी बात चल रही है। NBC न्यूज के लिए कैमरा पर्सन अखिलेश भरद्वाज के साथ रूपा पंडित की रिपोर्ट।